हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाठशाला। भाई कुमार एक बार फिर से आप सबके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं। आज के इस वीडियो में जो डिस्कशन होने वाला है वो है राजस्थान स्टेट काउंसलिंग 85%। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा जिसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन बातों का आपको ध्यान नहीं रखना है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो नीट की जो काउंसलिंग हो रही है या जो ऑल इंडिया कोटा या फिर जो स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं उसमें बहुत ही बारीक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर आप यह पूरा सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो खैर, काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के लगातार क्वेरी आ रही हैं बीएएमएस और वेटनरी के काउंसलिंग को लेकर के। मैं उस पर फुल वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दे देता हूं। जो बीएएमएस की काउंसलिंग है वो नीट के थ्रू होनी है। तो हो क्या रहा है कि हर स्टेट अपना अपना जो आयुष डिपार्टमेंट है उसके साइट पर आपको जाना है और आपको चेक करना है कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब निकलने वाला है। जिस दिन उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी उस दिन आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में और जहां पर भी बीएएमएस की पढ़ाई हो रही है वो अपना अपना फॉर्म निकाल रही है। जैसे बीएचयू का फॉर्म आ गया, भारतीय विद्यापीठ का आ गया, इसी तरीके से कई सारे यूनिवर्सिटीज की फॉर्म आई हुई थी। वहां पर आपको अप्लाई करना होता है, वहां पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे, वहां पर कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन का जो मार्क्स होगा, नीट का मार्क्स होगा, उसके हिसाब से ही वो सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। तो ये हर स्टेट की है। कुछ स्टेट क्या कर रही है कि जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट हैं, ये सब अभी जो 85% स्टेट काउंसलिंग ले रहा है उसके बाद उसी में वो उनकी प्रोसेस चलेगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी उस स्टेट के अंदर में बीएमएस वगैरह के लिए भी करा लेनी होगी, ठीक है। तो उनका जब रजिस्ट्रेशन आपको लगातार देखना पड़ेगा, जैसे ही निकलेगा बीएमएस वगैरह का या जो भी है, जहां निकल चुका है उसको आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। वेटनरी का जो ऑल इंडिया कोटा 15% है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में भरा जाएगा, जिसमें सारे इंडिया के कॉलेजेस के 15% सीटें भरी जाएगी, ठीक है। बाकी अलग अलग स्टेट में वेटनरी का खुद का एग्जाम कंडक्ट होता है। कई सारे स्टेट में एग्जाम हो चुका है, तो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपना चेक कर लीजिए कि उनके स्टेट में काउंसलिंग कब है, अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है तो, ठीक है। बीएएमएस में 15% कोटा का कोई भी इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे भी जानकारी होगी और लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा। अब आइए बात करते हैं राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की। 18 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 27 तक ही लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, 11:45 PM तक, और उस दिन तक ही आप जो है उसका पेमेंट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। इस बार जो रजिस्ट्रेशन की फीस है राजस्थान के अंदर में 2000 रुपीज की है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और अगर आप SC ST OBC हैं और आपके अगर फादर की इनकम 2.5 लाख से भी अगर कम है तो आपके लिए 1200 का रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वो आपको ध्यान देना है कि अगर आप राजस्थान में फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेकेंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, चाहे आपको BDS अप्लाई करना हो, चाहे आपको MBBS अप्लाई करना हो, किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस में फर्स्ट राउंड में ही मैंडेटरी है। मॉकअप राउंड में फिर जाकर के डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू भी कई सारे पेरेंट्स राजस्थान के अप्लाई कर सकते हैं। मैं उनको ये बता दूं कि सेंट्रल पूल कोटा में 7 डिफरेंट नोटिफिकेशन दिए हैं कि आप अगर इस कैटेगरी में आते हो, पैरामिलिट्री में आते हो, आर्मी में आते हो, डिफेंस में आते हो, या कई सारे और अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर में आते हो या कोई अचीवमेंट सेपार्ड आपको मिला हुआ है, तो इसकी एक वीडियो हमने सेंट्रल पूल कोटा की अलग से अपने चैनल पे पहले ही बना रखी है, तो आप उसको जाके देखिए। आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो उस सेंट्रल पूल कोटा का भी परफॉर्मा आपके साइट पर अवेलेबल है, उसको उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान के अंदर में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको जाकर के वहां पर आपको पढ़ने हैं साइट पर। जो मूल बात है वो मैं आइए समझा देता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो, मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, फिर आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आती है। अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद क्या करना होता है वो मैं बता देता हूं।
राजस्थान की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बाकी स्टेट से थोड़ी सी डिफरेंट है। राजस्थान में फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है, सेकेंड राउंड ऑफलाइन होता है, और थर्ड राउंड भी जो है मॉपअप इसका ऑफलाइन होता है। बाकी स्टेट में फर्स्ट सेकेंड जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब क्या है कि राजस्थान की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो बिल्कुल एज इट इज ए ऑल इंडिया कोटे की जैसी है। जो जो गाइडलाइंस ऑल इंडिया कोटे में हैं वो सारे गाइडलाइंस राजस्थान के अंदर भी फॉलो किए जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि स्टेट के अंदर वही होगा, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपनी गाइडलाइंस डिफरेंट तरीके से निकाल रखी है। अब अलॉटमेंट के बाद अब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे। अब क्या होगा कि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अगले राउंड में भी एलिजिबल हैं। जिनको सीट मिल गई है तो फर्स्ट राउंड यहां पर एग्जिट फ्री है। एग्जिट फ्री करने का मतलब है कि आपको अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में रीशफलिंग के लिए जा सकते हैं, मतलब आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, इम्प्रूवमेंट के लिए। उसका एक प्रोसीजर है। क्या होगा कि जो एसएमसी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का, एक डेट दी गई होगी वहां पर, वो आपको चेक कर लेना है। अलॉटमेंट के बाद उस दो दिन में आपको वहां पर रिपोर्टिंग करनी होती है। उस एसएमसी मेडिकल कॉलेज के कॉलेज में जितने भी राजस्थान के डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट प्राइवेट होंगे, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर स्टॉल लगा के बैठे होते हैं। जो अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आती है वो अलॉटमेंट लेकर के आप वहां पर पहुंचते हैं। उस अलॉटमेंट लेटर के थ्रू जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो उसकी लिस्ट होनी चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट्स नॉन लेमिनेटेड होना चाहिए। वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं। आपकी जो फीस डिमांड ड्राफ्ट बताई गई है उसकी डीडी भी बना करके आप लेकर के जाते हैं। जिनको कॉलेज लेना है और जिनको अपग्रेडेशन करना है, दोनों को वहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए एक रूल है, अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज वहां पर मिलता है और आप जा करके एडमिशंस लेना चाहते हैं तो वहां पर बॉन्ड है। अगर आप डेंटल कॉलेज लेते हैं तो 4 लाख रुपए का बॉन्ड और 1 लाख रुपए का बैंक गारंटी आपको जमा कराना होगा उस डेंटल कॉलेज में रिपोर्टिंग के डेट पे, ठीक है। और एमबीबीएस कॉलेज अगर आप एडमिशंस डन करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का वहां पर बॉन्ड जो है जमा कराना पड़ेगा, और वो बॉन्ड जो है आपका जो परफॉर्मा दिया है वो 500 रुपीज के मिनिमम स्टैम्प पेपर पर आपको जो है वो बना करके लेकर के वहां पर जानी होगी, ठीक है। क्या होगा कि अगर आपने वो सीट सेकेंड राउंड के बाद अगर छोड़ दी तो, या आपने बीच में कभी भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो वो जो आपने बैंक गारंटी या जो बॉन्ड जमा किया है वो आपके फॉरफिट हो जाएंगे। मेडिकल के केसेस में 5 लाख रुपए तो फॉरफिट होंगे ही, 5 लाख रुपए और आपसे चार्ज कर दिया जाएगा। तो थोड़ा संभल करके आपको यहां पर डिसीजन लेना है। अगर आपको एडमिशंस लेना है तो फाइनल माइंड के सेट के साथ लेना है, क्योंकि वो पैसा फिर आपका जो है फॉरफिट हो सकता है अगर आप सेकेंड राउंड में स्टेट के अंदर में या कहीं और अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो। रीशफलिंग वाले केसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड की सीट आपकी बनी रहती है, उसमें जाकर के आपको एडमिशन लेने पड़ेंगे। और अगर आपका अलॉटमेंट अगर नए कॉलेजेस में होता है तो फर्स्ट राउंड आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपको पहले सीट मिली थी, तो उसके अंदर में भी जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। आपको एसएमसी कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, उसके बाद एक डेट दी जाती है जिसमें आपको कॉलेज में भी जाकर के फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है अपने एडमिशंस की। तो आप अगर वहां पर एडमिशंस कंफर्म करते हैं तो आपको कॉलेज में भी जाकर के वहां पर सारी फॉर्मेलिटी एडमिशंस की पूरी कर देनी होती है। उसके बाद कॉलेज वाले ये डिसाइड कर पाते हैं कि अब सेकेंड राउंड में कौन कौन सी सीटें खाली गई हैं, उसको काउंसलिंग के लिए फिर से भेजना है कि नहीं भेजना है। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो राजस्थान के अंदर में कुछ इस तरीके से चलती है। सेकेंड, अभी तक का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट राउंड तक आया हुआ है। सेकेंड राउंड की डेट शीट जो है या पूरा जो फॉर्मेट है वो बाद में डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड राउंड में अगर आप जाते हैं तो यहां पर अब आपको सिक्योरिटी जमा करना होगा। अब सेकेंड राउंड में जो रिशफलिंग के लिए जा रहे हैं उनको तो सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है
अगर वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो 10,000 रुपीज का आपको सिक्योरिटी जमा करना है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 1,00,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट आपको यहां पर जमा करना पड़ेगा। सेम एज इट इज ऑल इंडिया कोटा वाला प्रोसेस है, उसी तरीके से आप जाके ऑल इंडिया कोटा का वीडियो हमारा देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। इसमें भी सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट के बाद आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कॉलेज लेने पड़ेंगे। और आपने अगर कॉलेज छोड़ दिया अलॉटमेंट होने के बाद तो जो अमाउंट है आपका 1,00,000 रुपीज का या 10,000 का वो फॉरफिट हो जाएगा, मतलब जब्त हो जाएगा। उसके बाद ही आप किसी और स्टेट के अंदर में या ऑल इंडिया कोटे में या उसी स्टेट के मॉकअप राउंड में आपकी एलिजिबिलिटी बनी रह सकती है। अगर आपने एडमिशन्स ले लिया सेकेंड राउंड के बाद तो फिर आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपनी अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो अपनी एलिजिबिलिटी को अगर बचा करके रखना चाहते हैं तो आपको अमाउंट फॉरफिट कराना होगा और मॉकअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर से जो रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा जो 1,00,000 का जो चार्ज होगा या जो भी चार्ज वहां पर रखा जाएगा जो डिक्लेयर करेंगे वो फिर से आपको सबमिट करानी होगी। तो यहां भी संभल करके, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या है कि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एनालिटिकल है, समझने की बार बार जरूरत है, पढ़ने की बार बार जरूरत है। जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा और उतनी क्लैरिटी बनेगी। इस बार एक बहुत ही मेजर चेंज राजस्थान लेकर के आया है। राजस्थान में दूसरे स्टेट के कोई भी बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जो राजस्थान का मूल निवासी है, जिसने राजस्थान में मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है और उसके पेरेंट्स वहां पर लास्ट 10 ईयर से वहां पर रह रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब को कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में, मतलब 10 ईयर्स का रेसिडेंसीप अगर आपका राजस्थान का है तभी आप वहां पर एलिजिबल होंगे। यह कैपिंग खास करके उन लोगों के लिए लगा दी गई है जो बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से राजस्थान में कोचिंग में पढ़ने के लिए आते थे और 10th 11th 12th जो है वो डमी करके और फिर राजस्थान में एंट्री ले लेते थे। तो यह उनके ऊपर एक तरीके से रोक लगा दिया गया है। तो जो भी पेरेंट्स अब राजस्थान में भेज रहे हैं अपने बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाने के लिए, वो संभल जाइए, आप अपने स्टेट में 12th कंप्लीट करवाइए और उसके बाद ही जो है आप उसके लिए भेजिए कहीं पर, ठीक है। अच्छी बात राजस्थान के साथ ये है कि इस बार 8 के जगह 13 गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिले हैं, ठीक है। तो सीटें जो है लगभग 600 से 700 इंक्रीज कर गई है, तो जो लोअर बॉटम कट ऑफ वाले मार्क्स है उनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको सेकेंड राउंड तक स्टेट गवर्नमेंट की सीटें मिल सकती है। और जो अच्छी बात राजस्थान के लिए नहीं है वो यह है कि वहां के प्राइवेट कॉलेजेस ने बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी है। 12 लाख रुपए का जो मिनिमम फीस है वो किसी एक कॉलेज का है और उसके बाद 17.5 लाख यानी 17.5 लाख पर ईयर से लेकर 19,25,000 रुपए तक की फीस है पर ईयर, जो कि अगर 5 साल में अगर आप चेक करोगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का पैकेज बन जाता है यानी बजट बन जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से फीस रेज किए जा रहे हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस के या डिम्ड में, जिस तरीके से 25 लाख 26 लाख 18 लाख की फीसें कर दी गई है, मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए होते और मेरे बच्चे को पढ़ाना होता तो भी मैं नहीं डालता एमबीबीएस में, मैं उनको बिल्कुल 1 करोड़ रुपए खर्च करके नहीं पढ़ाता। बाकी आप तो खुद समझदार है। तो एक लाइन में अगर मैं बात कहूं तो राजस्थान के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को समझना है तो ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया है तो आपने समझ तो आप मान लो कि राजस्थान के काउंसलिंग प्रोसीजर को भी आपने समझ लिया है। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, वो ऑनलाइन है ये ऑफलाइन है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आंख और कान दोनों खोल करके काउंसलिंग अटेंड करनी है। दूसरा, साइबर कैफे में जाकर के कभी भी काउंसलिंग अपनी रीअरेंज मत कराइए। काउंसलिंग अटेंड करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, गूगल पे करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर आपके पास प्रोसेस नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी मेंटर की हेल्प लीजिए। साइबर कैफे में जाके बच्चे कराते हैं, वो करता क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक सजा देता है, ठीक है। उसको तो आइडिया है नहीं, एबीसीडी तो पता है नहीं कॉलेजेस के बारे में, गूगल से फाइंड आउट किया टॉप लिस्ट के कॉलेज और उसके हिसाब से आपकी अरेंजमेंट लगा देते। कई सारे पेरेंट्स के फोन आए थे कि वो साइबर कैफे से अरेंजमेंट लगाए, तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर करियर पाठशाला से आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 21st से करियर काउंसलिंग का फिर से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। 50 सीट्स ओनली रजिस्ट्रेशन विल बी देयर, 50 सीट का ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन हम लोग सेकेंड काउंसलिंग में लेंगे। पूरा यहां से लेकर के जो मॉपअप राउंड तक का जो गाइडलाइंस होगा, ऑल इंडिया कोटा का भी जो गाइडलाइंस होगा सेकेंड राउंड से लेकर मॉपअप राउंड तक का, उसमें हम पूरी आपको जो है
पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, पूरी गाइडलाइंस ओवर द फोन ओवर द वेबिनार वी विल प्रोवाइडिंग यू। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास आप रियली में सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका काउंसलिंग अच्छे तरीके से मैनेज्ड हो और ठीक हो, तो आपको जरूर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी छोटे से रॉन्ग डिसीजन के कारण लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो यह जो आपका जो अभी तक जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने किए होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के और भी कई सारी चीजों में, उसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है आपका वो यही इन्वेस्टमेंट है। अगर यह इन्वेस्टमेंट आपने राइट समय पे कर दिया तो आपका फ्यूचर यहां से सेफ हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है, और गलत कर दिया तो पैसे भी बर्बाद जाएंगे और फ्यूचर भी जो है वो डार्क में हो सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का और सही तरीके से आप काउंसलिंग को अटेंड करिए। और कोई प्रॉब्लम हो, एक दो इशू हो, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैं दिन भर बच्चों को व्हाट्सएप पे मैक्सिमम लोगों को जवाब देता ही रहता हूं। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है, उसको कर लीजिए जल्द से जल्द। क्योंकि अभी तो हमने कहानी शुरू की है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है, अभी तो सारे कोर्सेस आने हैं, हर कोर्सेस की क्या क्या खासियत है वो आने हैं, अभी हर राउंड की काउंसलिंग में क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है वो आनी है, मॉपअप राउंड के बाद भी क्या होना है वो भी आना है। तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।